सो गाइस एज यू कैन सी दिस इज माई RX 100। एंड गाइस आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे जो बहुत ही कॉमन है लेकिन सब लोग को बहुत डाउट्स रहता है इसके बारे में। सो वो टॉपिक है आर टू स्ट्रोक्स गोइंग टू बी बैंड एंड क्या हम लोग अभी 2022 में टू स्ट्रोक बाइक ले सकते हैं एंड इसको ख़रीदने के बाद हमको बाद में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होएगा। सो ये सब क्वेश्चंस का आज मैं आंसर देने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखो तो आपका आज सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स हॉप ऑन टू द बाइक। The sound that everybody is a fan of. So guys, starting off with the very first thing, आपका जो main question है, are two strokes going to be banned? So उसका जवाब है नहीं, two strokes कभी ban नहीं होएगा। The reason being, two stroke बनने के लिए बैन हो गया है, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग अभी होएगा नहीं। तो जो बाइक्स ऑलरेडी मार्केट में है उसके ऊपर बैन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी स्टेट से ऐसा रूल आया नहीं है कि टू स्ट्रोक बाइक्स बैन होने वाला है। हाँ, एक रूल आया है दिल्ली में, दैट इज़ 15 ईयर्स के ऊपर वाला गाड़ी जितना भी है, टू स्ट्रोक हो डीजल हो, वो सब गाड़ी चलेगा नहीं बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन नॉर्म्स। एंड उधर का हिसाब किताब भी कुछ अलग ही है। सो अपन दिल्ली साइड को नेगलेक्ट कर देंगे एंड बाकी जितना भी अदर स्टेट्स है, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, सब जगह पे ये बाइक अभी भी चल रहा है। एंड महाराष्ट्र में टू बी स्पेसिफिक अपने इधर एक रूल है, दैट इज़ ग्रीन टैक्स। तो वो एवरी 15 ईयर्स कम्प्लीट हो गया गाड़ी, जो भी गाड़ी 15 ईयर्स कम्प्लीट करता है उसको एक ग्रीन टैक्स लगता है, एक डॉक्यूमेंट जो एवरी 5 ईयर्स रिन्यू करना पड़ता है। तो उसके लिए आई गेस 5,000-6,000 रुपया कुछ भरना पड़ता है एवरी 5 ईयर्स। एंड ये अदर कोई स्टेट्स में है नहीं, बाकी सब जगह पे फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, दैट इज़ बेसिकली द रिन्यूअल, RC रिन्यूअल। सो या, सो टू स्ट्रोक्स बैन नहीं होने वाला है। एंड ये डाउट आता क्यों है अभी लोगों के मन में, जैसे कि गाड़ी पुराना हो गया है एंड अभी करेंटली ये बाइक का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। मैं पर्सनली बताता है 2018 तक ये गाड़ी का इतना कुछ नाम नहीं था, मतलब RX 100 है, RD हो गया, RX Z 135, RX 135 5 स्पीड, ये सब अच्छे खासे रेट्स में मिलता था, इसका पार्ट्स अच्छे रेट में मिलता था। इनफैक्ट मैंने मेरा गाड़ी का ये जो टैंक आप लोग देख रहे हैं ये कंपनी मेड है, यामा ने खुद बनाया हुआ है फ्रॉम फैक्ट्री यामा। मैंने ये लिया था 4200 समथिंग में कुछ लिया था एंड अभी ये एग्जैक्ट टैंक का रेट है 7000 to 8000। तो ये जो मार्केट में बूम हो गया है ये पब्लिक का डिमांड की वजह से ही हो गया है, जो अभी रिसेंटली जो हाइप क्रिएट हो गया है RX लवर्स के बीच में बिकॉज ऑफ साउथ इंडियन मूवीज़ एंड यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। अभी जैसे कि आप लोग देखेंगे साउथ का ऑलमोस्ट हर मूवी में ये बाइक किसी ना किसी के पास तो रहेगा ही, हीरो के पास रहेगा, नहीं तो विलन के पास रहेगा, नहीं तो साइड हीरो किसी के पास तो रहेगा ही। पुष्पा में यूज़ किया है इसको, RX 100 करके एक डेडिकेटेड मूवी है, वो तो अलग बात है, उसमें गाड़ी जला दिया रहता है स्पॉइलर अलर्ट। एंड अभी रिसेंटली मैं एक मूवी देख रहा था विक्रम, ज़बरदस्त मूवी है, उसके अंदर भी ये बाइक को यूज़ किया गया है। सो ये सब चीज़ों के वजह से ऐसे सब मूवीज़ में आने के बाद एंड यूट्यूबर लोग इसको चलाने के बाद इसको नाम इतना फेमस हो गया है कि अभी हर एक बंदे के अंदर ये गाड़ी ख़रीदने का क्रेज़ हो गया है। एंड यही रीज़न के वजह से, ये क्रेज़ के वजह से गाड़ी का प्राइस भी बढ़ गया है एंड जो इसका पार्ट्स था उसका भी प्राइस बढ़ गया है। एंड पहले ये सब नहीं था, 2018 तक तो नहीं था ये सब चीज़। छपरैंग बॉयस। सो यही सब रीज़न के वजह से लोगों को अंदर इतना हाइप क्रिएट हो गया है एंड सबको ये गाड़ी ख़रीदने का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डाउट आएगा ही। एंड टू स्ट्रोक लवर जितने भी हैं अपन सब लोग जो क्रेजी फैनेटिक्स है ये सब बाइक्स के लिए, अपने को तो ये सब चीज़ का नॉलेज है ही,
तो लेकिन जो नॉर्मल एक इंसान है जिसको ये गाड़ी अभी लेने का ही है, अपने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर भी है जो टू स्ट्रोक ओन कभी नहीं किए हैं, कभी ओन नहीं किए हैं, खरीदे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये क्लब में घुसने का है, टू स्ट्रोक का फीलिंग लेने का है, बिल्ट नॉट बॉट ये कंसेप्ट को ट्राई करने का है। बिल्ट नॉट बॉट इज़ बेसिकली बाइक लेते हैं आप, उसको बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच या फिर जो भी कंडीशन में है, उसको बनाने के बाद में उसका जो एक फीलिंग रहता है वो एक अलग ही चीज़ रहता है। अपने बाइक पे भी अपन ने लगाया है बिल्ट नॉट बॉट, क्योंकि ये बाइक बिल्ट ही हुआ है। एंड मैंने देखा भी है कि बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर लोग हैं उनको लूट लिया जाता है, बेसिकली उनके पास वो आइडिया नहीं रहता है। एंड जो सेलर्स रहते हैं वो लोग ये चीज़ का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैं आप लोग को, अगर आप लोग देख रहे हैं जो भी व्यूअर है या फिर ऑलरेडी जिनके पास टू स्ट्रोक है, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलेगा, ये जो फील्ड है, ये जो लाइन है टू स्ट्रोक बाइक्स का, ये बहुत ही अलग है। एंड ये आपका नॉर्मल बाइक जैसा नहीं कि आप इसको ले लिए, खरीद लिया, रख दिया, टू ऑयल डाला, पेट्रोल डाला, चलाते रहे, ऐसा ये वर्क नहीं करता है। इसको एक्स्ट्रा केयर लगता है ये बाइक को। बैन वगैरह वो सब तो अलग बात हो गया, लेकिन जो मेन थिंग है बाइक लेने के बाद वो है इसका केयर। कोई भी पार्ट खराब हुआ इंस्टेंटली उसको चेंज करो, टूटी ऑयल क्या होता है उसके ऊपर से जानकारी लो, पेपर वर्क क्या होता है उसके ऊपर से जानकारी लो, गाड़ी कैसा वर्किंग करता है, गाड़ी कैसा चलता है। एक टू स्ट्रोक चलाने से समझेगा नहीं वो चीज़, 10 टू स्ट्रोक चलाओ, जिसके पास है बैक बोरो स्टील कुछ भी करो, हर एक टू स्ट्रोक जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर चला के देखो, क्योंकि हर गाड़ी अलग गाड़ी से अलग ही चलता है, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। एंड अगर आप लोग टू स्ट्रोक लाइन में नए हैं तो अपना चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोग को ऑलमोस्ट हर एक कंटेंट मिल जाएगा रिगार्डिंग टूटी ऑयल हो गया, पेपर वर्क हो गया है, कुछ भी आप सर्च कर लो, मेरे चैनल पे जाओ, उधर सर्च वाला आइकन पे टैप करो एंड जो भी आप लोग को डाउट्स है वो सीधा डाल दो। फॉर एग्जांपल टूटी ऑयल डालेंगे तो टूटी ऑयल वाला आपको वीडियोस मिल जाएगा, पेपर वर्क डालेंगे पेपर वर्क का मिल जाएगा, रेस्टोरेशन का डालेंगे रेस्टोरेशन का मिल जाएगा, ए टू जेड इन्फो है मेरे चैनल पर। एंड नए हो ये फील्ड में तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ अपना चैनल। सो गाइस, एंड में मैं आप लोग को यही बोलेगा, बिंदास आप लोग टू स्ट्रोक ले सकते हैं। एंड मैंने 2-3 वीडियोस बनाया है, अभी सबसे पहला है हाउ टू बाय RX 100, अभी वो ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। एंड हाउ टू चेक RX 100 बिफोर बाइंग, व्हाट ऑल पॉइंट्स यू नीड टू चेक, वो भी अभी ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप लोग वो भी जाके अभी देख सकते हैं। एंड गाइस, और कुछ आप लोग को इन्फो ऐड करने का है तो ज़रूर कमेंट्स में डालो, आई एल श्योर चेक दैट आउट। एंड जो मेरे को कमेंट्स अच्छा लगेगा मैं उसको पिन भी करेगा, सो वो टॉप में आ जाएगा एंड बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं उसको। एंड गाइस, बहुत ही जल्दी मैं एक गिव अवे करने वाला है न्यूलॉन प्रोडक्ट्स का, थैंक्स टू न्यूलॉन इंडिया फॉर सेंडिंग सम प्रोडक्ट्स। एंड अगर मेरा इंस्टाग्राम आप लोग ने फॉलो नहीं किया है तो आप लोग उधर जाके फॉलो कर सकते हैं, आइडिया भी आ रहा है डिस्प्ले पे। तो जिन जिन लोगों ने भी इंस्टा पे मेरे को फॉलो किया था उनको ये गिव अवे के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था। सो अगर आप लोग को ये सब चीज़ मिस नहीं करने का है तो ज़रूर मेरा इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर दो। So guys, that's about it for this video. I hope you all enjoyed, and if you did, then give it a like, share it with your friends, and do subscribe to the Speedy Leo channel. Until then, this was Speedy Leo. This is my RX 100, and I hope to see you soon in the next one. Till then, always stay safe, always wear a helmet. Goodbye, take care, and peace.